सो हे गाइस, पेपर बॉयज हेयर। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में, जिसका कल यानी कि 22 जनवरी को फाइनली इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुका है। और आप सभी लोगों ने अब तक इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को देख ही चुका होगा। इस सेरेमनी में बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स, साउथ इंडियन एक्टर्स और यूट्यूबर्स भी शामिल हुए थे। आपको बता दो कि जब लाइव स्ट्रीम चल रहा था, तो मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों ने इस लाइव स्ट्रीम को एक साथ देखा है। नरेंद्र मोदी जी के चैनल पर दो दो लाइव स्ट्रीम्स चल रहे थे, जिसका टोटल व्यू काउंट किया जाए तो 1.2 मिलियन लाइव वॉचिंग थी। और बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी लाइव स्ट्रीम चला रहे थे, और सारे जगह के लाइव स्ट्रीम्स पर लाखों लोग लाइव देख रहे थे। अगर सारे लाइव स्ट्रीम्स को कैलकुलेट करके मिलाया जाए तो यह लाइव स्ट्रीम पिछले सारे लाइव स्ट्रीम के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है। आप लोगों ने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि राम मंदिर को बनाने से अच्छा कोई स्कूल, हॉस्पिटल या कॉलेज बना दिया जाता। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए अभी नियो ने अपने वीडियो में ये कहा। कुछ लोग पूछते हैं कि राम मंदिर को बनाने के बजाय कोई हॉस्पिटल बना देते, एंड आई अग्री कि भारत को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमेशा आर्ग्यूमेंट दिस और दैट इस फॉर्मेट में क्यों होती है। क्या मंदिर और हॉस्पिटल दोनों नहीं बन सकते? क्या हम लोगों के फिजिकल नीड्स के साथ साथ उनके स्पिरिचुअल नीड्स का सम्मान नहीं कर सकते? इसी टॉपिक पर बात करते हुए अवनीत सिंह ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हे गाइस, सभी को जय श्री राम। तो ये जो मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, ये मैं उन भाई और बहनों के लिए डाल रहा हूँ जो कह रहे हैं कि यार स्कूल या फिर हॉस्पिटल बनने चाहिए थे मंदिर की जगह पे। तो देखो, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो फैसला लिया गया है ये किसी इंडिविजुअल या किसी सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। हमारे यहाँ पे जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, वो माना जाता है लॉ को, यानी कि कोर्ट को। उनके फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फाइनली वहाँ पे मंदिर बन रहा है, क्योंकि फैसला हमारे हक में आया था। तो उसके बाद ये जो हेट फैलाना, इसको कैंपेन्स बताना, इसको मतलब एक नेगेटिव तरीके से क्यों लोगों को दिखाना यार। टुमारो इज अ वेरी बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस। तो आई विल जस्ट से कि भाई प्यार फैलाओ, अंदर भी पॉजिटिविटी रखो और बाहर भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, और खुश रहो बाकी सब, और बाकी खुश रखो, हेट मत फैलाओ यार। जय श्री राम। अब बात करते हैं एलविस यादव के बारे में। एलविस यादव ने जब ट्विटर पर श्री राम भगवान का फोटो पोस्ट किया, तो उसी पोस्ट के नीचे किसी ने कमेंट कर दिया कि डिस्ट्रॉइंग मॉस्क एंड बिल्डिंग मंदिर नेवर गिव यू सक्सेस, रदर यू बुक अ परमानेंट प्लेस इन जहन्नम। तो इसी को रिप्लाई करते हुए एलविस यादव ने कहा कि तेरे पे तो बर्नोल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, मोए मोए। तो अब हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूबर के बहुत ही खतरनाक चैलेंज के बारे में। तो एक यूट्यूबर हृदय सेज करके, उसने यूट्यूब के लिए क्या चैलेंज लिया है, आप खुद सुनिए। आई एम गोइंग टू बी लाइव स्ट्रीमिंग 24/7 ऑन यूट्यूब। मेरे बैंक में अभी इतने पैसे बचे हैं, और ये पैसे कमाने के लिए मैंने बहुत सारे जॉब्स किए। आई वर्क एज अ वेटर, अ स्टेज टेक, अ वीडियो एडिटर, अ सबटाइटल राइटर। मेरे को जो भी काम मिला मैंने किया, ताकि मैं पैसे कमा पाऊं, वो पैसा अपने म्यूजिक में डाल पाऊं और म्यूजिक बना पाऊं। पर अभी मेरा एक ही सपना है कि मेरे को ये म्यूजिक से पैसा कमाना है। एंड व्हेन आई से तुम लोग के सामने, आई मीन लिटरली तुम लोग के सामने, मैं अपनी पूरी जिंदगी लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं। कब तक? या तो जब तक मेरे बैंक में 10 लाख हो, या कुछ नहीं बचे। और ये कोई क्राउड फंडिंग नहीं है, पैसा मैं अपने म्यूजिक से कमाऊंगा। तुम लोग बस घर पे बैठो और आके देखो। अब बात करते हैं थगेश के बारे में। तो थगेश ने अपने चैनल पर द मेकिंग ऑफ थगेश शो का वीडियो अपलोड कर दिया, और उस पर उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनको द थगेश शो बनाने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या क्या परेशानियां हुई, और कैसे उन्होंने सब कुछ हैंडल किया। तो उसी वीडियो को रिस्पॉन्स करते हुए थगेश ने यह कहा। सो मैंने अभी फाइनली सब कमेंट्स देखे हैं, एंड थैंक यू सो मच इतने इतना प्यार देने के लिए वीडियो को। मतलब जैसे मैंने बोला था, ये वीडियो काफ़ी पर्सनल था, मतलब मेरे अंदर जो भी था मैंने सब कुछ बोला ये शो को लेके, जो भी स्ट्रगल्स थी सब मैंने शेयर की, एंड आई वाज वेरी अनफिल्टर्ड एक्चुअली। मतलब जनरली लोग बात नहीं करते ब्रांड की, जनरली लोग बात नहीं करते किसी ने कैंसिल किया गया इसने एंड ऑल दैट, बट मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच इतना पसंद करने वीडियो को। एंड वीडियो के एंड में मैंने एक छोटा सा टीजर भी डाला है, जो नई चीज़ आने वाली है उसकी, तो अगर नहीं देखा तो देख लेना। एंड वो यस थगेश शो सीजन 2 नहीं है, वो कुछ और है, एंड उसका थोड़ा सा टीजर डाला है, तो देख लेना। एंड थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो यार, ये वीडियो मैं बहुत पहले डालने वाला था, बहुत पहले मतलब जब सीजन चल रहा था ना, आई थिंक जब 2 महीने का ब्रेक आया था बीच में, जो मैंने वीडियो में बोला है, तब मैं वीडियो डालने वाला था द मेकिंग ऑफ द थगेश। फिर मैंने सोचा नहीं, सीजन फिनाले के बाद तुरंत डाल दूंगा, बट उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा बिजी हो गया तो फिर डाल नहीं पाया, बट फाइनली यस हो गया अपलोड। चलिए अब बात करते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग को बुलाया गया था सैमसंग गैलेक्सी के एक इवेंट में, जहां वो यूट्यूब के अलग अलग क्रिएटर्स से मिले, जैसे कि फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान।
तो उन्होंने फुकरा इंसान के साथ एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसपे उन्होंने लिखा था अगर इस पोस्ट में 30,000 कमेंट आ गए तो कल मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग अपलोड कर दूंगा। तो क्या था भाई, उनको 30,000 से भी ज्यादा कमेंट्स आ गए और उन्होंने अपना ब्लॉग अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि अंकित बयानपुरिया के बारे में। तो कल उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया था तो उसी पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। अपना भी सारा ने तो भाई अपना ये भी 2 घंटे पहले चैनल हैक हो गया था यूट्यूब का, उसको कोई लाइव स्ट्रीम करना आता कोई क्रिप्टो क्रिप्टो की चैनल हैक हो गया ना, मतलब कुछ जो मेरे खास थे बहुत बढ़िया उनने अपने रंग दिखाए बढ़िया आले, मैंने बहुत 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 धन्यवाद करूंगा उन भाई का मैं, तुमने भाई अपने असली रंग दिखाई अखथम कितना प्यार करूँ मेरे से। अरे जो मतलब जो चैनल हैक हुआ है उसमें की गलती थी जो भी कुछ था वो मैं आपने एक प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगा यूट्यूब पे घेरूंगा कल एक वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन की चीज़ ना करनी चाहिए भाई यूट्यूब चैनल हैक ना हो जिस तक बच्चा जा सके। बाकी फिलहाल तो मैंने बेरा पार्ट गया है, अरे बेरा तो बहुत कुछ चीजा पार्ट गया भाई आज। बाकी भाई अपना कल राम जी आन लाग रहे हैं, उड़ा जाने का मौका था ना मिलिया पर अड़े आज जोड़ लेंगे हम तो जिम बुलाओगा जब उड़े भी चले जाएंगे। अरे भाई मैं तो ये कहूँगा अपना आस्ते खेलते रहे यार भाई किसी तरह चढ़ का कुछ नहीं मिलना मेरे भाई अपना। आज के लिए बस इतना ही अपडेट था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।